हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली और आज का ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। अभी लंच हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद फाइनली आज माँ को विदाई करने का वक्त आ गया है। बहुत दिन से ये काम पेंडिंग था तो फाइनली आज ये काम करने का टाइम हो गया है, तो आज करेंगे माँ को विदाई। इसके पहले मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी क्योंकि माँ को ऐसी विदाई नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल का नाम है दिवाली सनशाइन टू सनसेट। तो यहाँ पे रेडी होने के बाद मैं माँ को करने वाली हूँ विदाई। आप सबको पता है कि मेरे घर में यूजुअली सरस्वती पूजा होता है, तो उस टाइम से लेके अभी तक मूर्ति मेरे घर में ही था। विदाई जनाने का वक्त आया ही नहीं था क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था हम सब के लाइफ में। और एक्चुअली जिस टाइम में माँ को विदाई करने का वक्त था उस टाइम हम लोगों को थोड़ा सा फैमिली इश्यूज चल रहे थे। बेसिकली हमारे फैमिली में एक गुजर गए थे, तो इसके चलते बहुत दिनों तक हम लोगों को जो क्रियाकर्म रहता है वो करना पड़ रहा था। और साथ ही में इसके बाद जो महीना स्टार्ट हुआ था उस महीने में यूजुअली हम लोग माँ को विदाई करते नहीं हैं, तो इसलिए पेंडिंग था, माँ को विदाई करने का वक्त नहीं था। तो आज फाइनली हम लोग कर रहे थे और एक साथ होता है कि लाइक बहुत दिनों से रहते रहते ऐसा लगता है कि क्यों विदाई करें, घर में ही रख देते हैं। तो इसी सारा कुछ चलता हुआ तो हो नहीं रहा था। फाइनली आज सारे लोगों ने बोला कि नहीं, माँ को विदाई करने का टाइम आ गया है तो कर दो। तो इसीलिए सारा कुछ जो करते हैं विदाई के पहले वो सारा कुछ चल रहा था। यहाँ पे मेरी मम्मी माँ को लास्ट जो स्वीट और साथ ही में पान के पत्ते और थोड़ा सा वाटर ये सारा कुछ पिलाते हैं क्योंकि बेटी को घर से विदा कर रहे हैं, माँ को घर से विदा कर रहे हैं, तो इसके पहले ये थोड़ा बहुत रिचुअल्स करते हैं। साथ ही में वरण होता है तो वो भी करते हैं, आरती करते हैं। और यहाँ पे जो डर है माँ के पैर में वो देख के माँ के प्रतिबिंबों को मुँह अंदर रखते हैं, मन में रखते हैं, और हम लोग माँ के कानों में बताते हैं कि अगले बरस तो फिर से आना। तो ये सारा कुछ चल रहा था और आज मन तो बहुत ख़राब हो रहा था क्योंकि ऐसे भी माँ दो दिन के लिए जब आती है तभी अगर विदाई करने का टाइम होता है तो तभी मन ख़राब हो जाता है। अभी तो इस बार तो माँ बहुत दिनों तक मेरे घर में थे, बहुत दिनों तक हम लोगों को आशीर्वाद दिए, आज विदाई हो रहा है तो फिर मन थोड़ा सा तो है ख़राब। सारे लोग रेडी हो गए थे और लास्ट में मेरे हस्बैंड अभी माता को विदाई जनाने का प्रक्रिया जो भी है वो स्टार्ट हो गया था। तो अभी इसके बाद माता को हम लोग नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल ऐसे तीन बार ऐसे घुमाने के बाद इसको तोड़ते हैं। आजकल जबकि पूरा एकदम टाइल्स का ज़माना आ गया है तो फ्लैट में भी टाइल्स है तो इसीलिए तोड़ नहीं पाए थे, तो कहीं बाहर जाके तोड़ देंगे। इसके बाद माता को उठाने का प्रक्रिया होता है और इस माता को उठाने के बाद तीन बार ऐसे घुमाते हैं घर के अंदर। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते थे कि लास्ट टाइम मेरे जो पुराने फ्लैट थे वहाँ पे मैं फ़्लैट के सराउंडिंग में घुमाती थी, मगर इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा सोसाइटी है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए घर के अंदर ही मैं यहाँ पे तीन बार ऐसे माता को घुमाने के बाद लेके जाएंगे विसर्जन करने के लिए।
तो सरस्वती माता फाइनली वो कार में जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे दूसरे कार में जा रही थी बाकी सारे लोगों को लेके। नो आजकल जहाँ पे हम लोग विसर्जन करते हैं वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, जो पुराना वाला फ्लैट था उससे थोड़ा नज़दीक था मगर इस बार थोड़ा सा दूर है। बेसिकली यहाँ पे भी हो सकता है विसर्जन करने की जगह मगर मुझे पता नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे यूजुअली हम लोग करते थे 4-5 साल से करते हुए आ रहे थे वहीं पे करेंगे, ऐसे ही मर्जी था। तो फिर यहाँ पे सारा कुछ चल रहा था तो अभियोग भी आ गया था और बाकी फैमिली मेंबर्स भी आ गए थे यहाँ पे। पापा और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के माता को लेके आके ऐसे जो भी प्रक्रिया होता है वो करने के बाद माता को अभी विदाई कर रहे हैं। तो बस नेक्स्ट ईयर फिर से आना माता, अगले बरस तो फिर से आना, यही उम्मीद के साथ साथ माता को विदा कर रहे हैं और सारा कुछ अच्छे से हो जाए और सारा कुछ अच्छे से हम लोग भी रहे और माता भी रहे, यही उम्मीद के साथ हम लोग जीते हैं। तो पूरा चारों ओर एकदम खाली खाली हो गया है, मेरे घर भी खाली खाली हो गया है और ये देखिए अवियान क्या कर रहा है, अवियान कार ड्राइव कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग भी अच्छे रहिए और मैं भी अच्छे रहने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय।